रात 10 बजे। नहीं सोच, अगर कोई किसी हद तक पहुंचता है तो उसे समझाने के लिए उसी हद तक जाना जरूरी है क्या यार? आप कैसी बात कर रहे हो कि आप मेरी ऐसे देखते हो या वो देखते हो? वो बंदा किसी से भी नजर नहीं मिलाता यार, कम से कम ऐसा इंटेंशन तो मत लगाओ कि वो आपको ऐसे देखे। जिस तरह से वो देखते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता, और मैं अगर बार बार टॉयलेट जाऊंगी तो बार बार वो कभी वो पीछे भी जाएंगे ना। ऐसा फॉलो किया तो मैं प्रेफर करूंगी मेरे साथ कोई लड़की रहे, बस लाखों लड़की आपसे मेरी सच्चाई है। आप सोच उनको मैं क्या क्या नहीं कहता हूँ। मैंने आपको 2-3 बारी बोला है मुझसे बात करते आंखों में आंखें डाल के बात क्या करो। आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ मैं गंदा आदमी नहीं हूँ। ठीक है आप नहीं है, पर आप जब बात मैंने कभी उस निगाह से आपको नहीं देखा। मैं गंदी निगाह से कभी भी मैंने आपको नहीं देखा, दुनिया में किसी को नहीं देखा। और यदि घर में शांति नहीं रखेंगे तो कल इसका जवाब मैं जबरदस्ती दूंगा सलमान खान जी को, और फिर ऐसा जवाब दूंगा मजबूरी से जूते पड़ जाए। लेकिन ये बात नोचेगी अपना उसी स्टेज पे। रात 10:15 बजे मैं नहीं जाती इसके साथ जेल। प्लकार निकाल लो, मैंने तुम्हें बोल दिया अभी जो ओरिजिनल था वही रहेगा। बात करूंगी मैं, सीक्रेट रूम से आई हूँ, मैं ये सब करने नहीं आई हूँ, मेरा विक्षण हो चुका है। तुम लोग सेलिब्रिटीज चलाओ। अच्छा, कल तुम्हें जो कर रही थी तब गिरी हुई हरकतें नहीं दिख रही थी, अभी सॉरी बोलने की बात आ रही है तो गिरना लग रहा है। हरकतें करते हैं सॉरी फील नहीं हुआ। तुम लोगों की गंदगियां देखने गंदे लोग सीक्रेट रूम में देख रहे हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि स्वामी ओ बानी और प्रियंका घर की कप्तान लोपा मुद्रा द्वारा दिए गए दंड के आदेश का फौरन पालन करें। Man, मैं नहीं जा रही। I was really like, I'm sorry, I refuse. मेरे हिसाब से क्या होगा? मुश्किल हो जाए ना यार, मौत से ज्यादा तो मुश्किल नहीं हो सकता ना। मैं अनशन पे हूँ अभी से। अनशन मतलब कि बिल्कुल नहीं। मैं नहीं खाऊंगा। मैंने शुरुआत से बोला कि मैं आपका दंड का पालन करूंगी, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं दंड का पालन नहीं करूंगी। द ओनली थिंग व्हिच आई एम नॉट डेफिनेटली नॉट ओके विद, फॉरगेट अनकंफर्टेबल, मैं कभी दुनिया में नहीं करने के लिए तैयार होंगी इस टू गो टू जेल इस आदमी के साथ। क्यों? आपको रीजंस मालूम है, पूरी इंडिया को रीजंस मालूम है। आई विल होल्ड द प्लैकार्ड राइट नाउ, यू टेल मी टू डू, मैं अभी अभी शुरू कर लूंगी। होल्ड द प्लैकार्ड, इनको जाने दो जेल में। फिर ये क्या बात है, मैं क्यों जाऊंगी फिर जेल? वो भी बॉस का काम है, अपना फालतू पर ठीक है। हां अगर बानी कर रही है फॉलो तो वो करे, ठीक है। आप दोनों जेल जाइए। हां मैं जाऊंगा, बिग बॉस अपना, आपकी बेटी है ना, वो जाइए आप बेटी को लेके। वो बिग बॉस की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं। ये उसका है। सुनो, परांठे वाला प्रियंका का। सुनो मेरी बात सुनो, रोटी वाला और ज्यादा अंडे वाला आपका। मेरे से जब तक ये माफी नहीं मांगेगी गलत इल्जाम का, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो मान लेगी, नहीं खाऊंगा। जब इसको आई एम सॉरी बोल रहे हैं तो ये भी कर दे। इसको भी पता है कल शुक्रवार है, मांग लेगी। गुरुजी गलत बात है, जब मांग लेगी तो मैं खा लूंगा। मैं फेंक दूंगा इसको। मैं फेंक दूंगा, तुम रखो। अरे लोपा तुम भी बड़ी बनो, कल फ्राइडे है। पर मैं सॉरी किस चीज का बोलूं यार, मुझसे नहीं होता। गंदा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया। मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने बोला मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है तो होता है, इसीलिए मैं नहीं दे रहा था। मत करो, आप लोगों को सेंस नहीं। तुम सब बराबर के हो, 60 साल का उम्र के, तुम उनकी बात पे एक बार सॉरी बोलने में घसता हो। मैं सॉरी क्यों बोलूं? अबे एक आदमी तख्ती लेके घूम रहा है बिना रीजन के। बोलो ना, एक सेकंड, तख्ती लेके घूम रहा है यार। एक सेकंड। तो फिर खाना क्यों दे रही है आप जबरदस्ती? फिर बताओ, दोनों बात नहीं जाती ना साथ में। काम कर रही हूं नहीं, वो काम कर रही हूं, नहीं खा रहा। ऐसे नहीं होता यार, वो देख लो फिर काम। ये गलत है यार, रुक जा यार, खाने की इंसल्ट है यार ये। गंदगी है ये आदमी। ओम जी, मेरे साथ न्याय करना आप। जो भी हुआ फिलहाल के लिए आप भूल जाइए, और हमें सुनाइए आप घर की इस हफ्ते की सुर्खियां, हेडलाइंस ऑफ द वीक, ग्रेटेस्ट एंटरटेनर, ब्रेकिंग न्यूज, लोपा मुद्रा राउत ने स्वामी ओम जी के ऊपर में गंदा आरोप लगाते हुए कहा कि स्वामी ओम जी गंदी निगाह से लोपा मुद्रा राउत को देखते हैं, और उस जगह पे देखते हैं जहां नहीं देखना चाहिए, जो सरासर गलत है, और ये पूरे विश्व के पुरुषों के ऊपर में एक बहुत बड़ा कलंक है। लोपा मुद्रा राउत ने एक गंदा इल्जाम लगाया है जिससे पूरा पुरुष समाज
कलंकित महसूस कर रहा है। इल्जाम क्या लगाया है? इल्जाम क्या लगाया है? इल्जाम ये इलाज लगाया है ग्रेटेस्ट हीरो, इसने मुझे जिस वक्त ये गौरव जी मेरे साथ में यहाँ पर लड़ रहे थे, तो चूंकि मेरा हाइट कम है तो जहां तक मैं देख सकता था वहां देख रहा था, वहां मजाक में मैंने कहा कि मुझे आपकी अच्छी लग रही है। हाइट से देखने का क्या क्या कनेक्शन? नहीं, मेरी आदत है मैं हमेशा नीचे ही देखते हुए मैं बात करता हूँ, कभी भी मैं ऐसे करके बात नहीं करता ना। मैं मुझे, कर सकता हूं। मुझे बताइए कि जिनकी हाइट छोटी है क्या वो पतंग नहीं उड़ाते? वो बादल नहीं देख सकते? वो पहाड़ नहीं देख सकते? वो विमान नहीं देख सकते? वो तारे नहीं गिन सकते? वो पेड़ नहीं देख सकते? अपने नहीं, वो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन ऊंची ऊंची देख सकते हैं? ऊंची ऊंची मैं लोपा मुद्रा को मैं देखूं और मैं बात करूं तो कैसा लगेगा? मेरा सिर्फ पेट आगे आएगा। लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो आप कहां देख के बात करते हैं ओम जी? मैं इनसे ही नहीं, जिस किसी से भी मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा मेरी आंख नीचे होती है, लेकिन कल इन्होंने उस वक्त एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, कैमरे को संबोधित करते हुए, व्यूअर्स को संबोधित करते हुए ये कहा कि स्वामी ओम जी मुझे गंदी निगाह से देखते हैं। गंदी निगाह का मतलब क्या होता है? मुझे कुछ समझ में आया नहीं ओम जी। गंदी निगाह का मतलब हुआ है कि मैं कामुकता भरी नजरों से देखता हूँ। किससे? क्या, कौन से नजरों से? कामुकता भरी सेक्सुअल फीलिंग से देखता हूँ। ये सोच कहां से इनके दिमाग में आ गया कि हर पुरुष गंदी निगाह से देखता है, जिसमें से एक मैं भी हूँ? हर पुरुष की बात ही नहीं हुई है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप जिस तरह से मुझे देखते हैं मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ, और मुझे अनकंफर्टेबल नहीं कहा था आपने, गलत है। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता, आपने मुझे ये कहा था आप मेरे को देखते हैं गंदी निगाह से, ये लफ्ज था आपका। जिस दिन गौरव जी से मेरी बात हुई थी उसके लिए लफ्ज था आपका। उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा ओम जी, उसने सिर्फ ये कहा कि उसे अच्छा नहीं लगता जिस हिसाब से आप उसे देखते हो। यदि उनको लगता है कि यदि कोई इस तरह का कपड़ा पहनती हैं जिससे कि मेरी वहाँ नजर जाती है, उनको महसूस होता है कि मैं गंदी नजर से देख रहा हूँ, तो कपड़ा उससे अच्छा भी पहना जा सकता है। मुझे कपड़ों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो कि उनको ऐसा लगता है तो उनको कपड़े नहीं पहनना चाहिए, करेक्ट? वैसे मेरा ये कहना नहीं है। हाँ नहीं, क्योंकि उन्होंने वो कपड़े पहने, उन्होंने वो उस टाइप के कपड़े पहने हैं, तो आपका फर्ज नहीं बनता है नहीं, कि आप नहीं देखो? नहीं, आपकी आंखों के ऊपर आपका इतना कंट्रोल नहीं है? मुझे अपने जबान पे तो है ही नहीं, मुंह पर तो है ही नहीं, आंखों पर तो रख लिया करो कंट्रोल थोड़ा सा। मुझे अपने आंखों पे, इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल है। पॉइंट ये है कि लोपा मुद्रा राउत जो भी कपड़े पहने वो उनका चॉइस है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। नहीं, मेरी सोच तो आपके आशीर्वाद से बदली हुई है, क्योंकि जितना आप बोलते जाओगे ओम जी, जितना आप बोलते जाओगे आप फंसते जाओगे इसके अंदर। बिल्कुल, अपना रखो और बैठ जाओ, सुन लो बस, समझे आप? क्लियर हो गया आपको? धन्यवाद ग्रेटेस्ट हीरो। 100 बात की एक बात यह है कि आपकी सोच घटिया नहीं कहूंगा मैं, वैसे तो वैसे कहना चाहिए मुझे, लेकिन नहीं कहूंगा, वो आपकी सोच है और हम सब मानते हैं कि वो सोच गलत है। गलत है ओम जी। तो इसका मतलब वो जो इल्जाम लगा रही है वो सही है? मेरी आदत है, लेकिन मेरे मन में वो पवित्रता रहती है, मेरे मन में कहीं कोई पाप नहीं है। जितना नीचे आ, नहीं, नहीं, उतना ही फंसोगे। नहीं 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 नहीं, खोट तो इनके मन में है ओम जी। पाप तो ये कर रहे हैं, आप तो हाइट देख रहे हो।